नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारतीय समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। खुलने लगी किसान आंदोलन की परतें, क्यों बार बार हरियाणा सरकार के मंत्रियों का किया जा रहा घेराव। कांग्रेस पार्टी आजादी के 75 वर्ष में पूरे साल युवा पीढ़ी को गांधी नेहरू के योगदानों से कराएगी परिचित। मथुरा के 20 गांव में वायरल बुखार और डेंगू का कहर, बढ़ रहा मौतों का आंकड़ा। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने के बाद भी पंचशीर के शेर बोले, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। बिहार फिर लिखेगा नया नाम, 10 मंजिल का पार्किंग जा रहा बनने, एक बिल्डिंग में होगा 700 गाड़ी का पार्किंग। महाराजगंज जनपद के ठूटीवारी कोतवाली क्षेत्र में बीते 4 अगस्त को एक घर और गोदाम में छापेमारी कर लगभग 686 करोड़ रुपए के अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी और 2 मुख्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के मामले में उत्तर प्रदेश शासन ने बरामदगी और अभियुक्तों की गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम के लिए 2,00,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, जिसे आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त रूप से इनाम की राशि भेंट कर 15 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया और उन्हें शाबाशी दी गई। इस मौके पर पुरस्कृत हुए पुलिस कर्मियों के चेहरों पर खुशी छाप झलक रही थी। एसपी ने बताया कि इतनी बड़ी मात्रा में अवैध नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में शासन द्वारा पुलिस टीम के लिए 2,00,000 की नगद पुरस्कार की राशि स्वीकृत की गई थी, जिसे आज पुलिस कर्मियों को देकर सम्मानित किया गया है। ये पुलिस के लिए गर्व की बात है कि पुलिस टीम को इतनी बड़ी नगद राशि देकर सम्मानित किया गया है। 4 अगस्त को रात में एक थाना ठूठीवाली क्षेत्र में जो नशीली दवाएं हैं, जो प्रतिबंधित हैं, उनकी बड़े पैमाने पर रिकवरी हुई थी, जिसका मूल्य ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा लगभग 686 करोड़ आंका गया था। इसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और 2 प्रमुख अभियुक्त जो हैं उसके गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं। इसी चूँकि एक बहुत बड़ी रिकवरी थी, इसमें शासन द्वारा 2,00,000 रुपए का पुरस्कार स्वीकृत किया गया था, जो पूरी टीम में आज बराबर बराबर बांटा गया है और सम्मानित किया गया है। ये हम लोगों के लिए एक बड़े गर्व की बात है कि हमारी फोर्स को इतनी बड़ी नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधान जी से नहीं संभल रही गांव की सरकार। जी हां, गांव में कीचड़ गंदगी से लोग हुए बेहद परेशान। बता दें कि पनवाड़ी विकास खंड अंतर्गत कई ऐसे गांव हैं जहां के मुखिया गांव की सरकार चलाने में नाकाम साबित हो रहे हैं। मुखिया जी से नहीं संभल रही गांव की सरकार, जहां के वासिंदे हो रहे बेहद परेशान। सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना बिजरारी में पलीता लगाया जा रहा है, या यूं कहें कि सरकार के मंसूबों पर बिजरारी प्रधान पानी फेर रहे हैं। ये पूरा मामला पनवाड़ी विकास खंड के ग्राम पंचायत विजरारी का है, जहां ग्रामीणों के चेहरों पर साफ साफ मायूसी देखी जा रही है, लेकिन ग्रामीण प्रधान जी से कुछ कह नहीं पा रहे। ग्रामीण प्रधान जी की कार्यशैली से नाखुश हैं। इटावा जिले से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहां तेलंगाना की युवती ने पति व ससुराल वालों पर धर्म छिपाकर धोखे से शादी करने और धर्मांतरण कराने के दबाव बनाने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। इस मामले में एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने शिकायत के बाद फ्रेंच कॉलोनी थाने में दहेज एक्ट मारपीट व धर्मांतरण अधिनियम में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद विहिप के नेताओं ने पुलिस अधिकारियों से संपर्क कर कार्यवाही की मांग की है। जानकारी के अनुसार तेलंगाना के बोनगीर वंजारा हिल्स जिला भोगना के रहने वाली 35 वर्षीय ज्योति पांडे बदला हुआ नाम ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति विशाल कुमार के साथ तेलंगाना में रहती थी। पति के कारोबार में राजा पंडित नाम का युवक साथ काम करता था और खुद को पंडित बताता था। उसने नजदीकियां बढ़ाई और पंडित होने की बात कहकर उससे शादी कर ली। इसके बाद वो ज्योति को तेलंगाना से इटावा ले आया। शांति कॉलोनी में किराए के घर में उसे रखा। घर वालों ने उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। राजा पंडित का असली नाम अमीन था, उसकी माँ खैरुनिशा, पिता जलालुद्दीन खान, भाई सलमान व अंसार ने ज्योति का शारीरिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया।
एसएसपी डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पूरे मामले में थाना अध्यक्ष फ्रेंड्स कॉलोनी से जांच कराई है। जांच के बाद महिला की शिकायत कर मुकदमा दर्ज कर दिया गया। उनका हाथ के नीचे यहाँ मसनाई घर है, थाना चौबिया पड़ता है। एक लड़का उनका हाथ के नीचे काम कर रहा था। उनका हाथ के नीचे बहुत 40-50 आदमी काम करते रहते हैं, ठेकेदारी लेते हैं वो। तो यहाँ का भी लड़का वहाँ पर काम कर रहा था और 5-6 महीने काम किया और 2-3 दिन बोला हमारी तबीयत सही नहीं है। वो घर में ही रहता था, 2-3 दिन डुब्बा मार दिया, मतलब छुट्टी कर लिया, वो नहीं गया। उसके बाद मैं नहा रही थी तो हमारा वीडियो बना लिया था वो बिना कपड़ों के। उसके बाद उसने हमें ब्लैकमेल करना चालू कर दिया, ब्लैकमेल चालू कर दिया और बोला हमारे साथ चलो, नहीं तो मतलब टीवी में डाल देंगे, फ़ोन में डाल देंगे। इसी करके उसने हमें लेके आया वहाँ से। उसके बाद वहाँ से लेके आया, उसका पापा भी साथ थे ऐसे, उनका पापा भी और भाई, छोटा भाई भी। और यहाँ से उनका दोस्त है एक विपुल, उसने अपना कार से लेके आया स्टेशन से। और वो लोग क्या करे, 2-3 पेपर में साइन भी करवा लिए हमसे और बोल रहे हैं तुम्हारे ऊपर कुछ नहीं। हमें नहीं पता था, जब राजा पंडित बोल के वहाँ रहता था राजा पंडित, हमें भी नहीं पता है कौन कास्ट है। फिर यहाँ पर 2-3 पेपर पर साइन करवा लिया, बोले हम हमारी तुम्हारी तुमसे शादी हो गई हमें और तुम्हारी पत्नी हो गई, अब हम पर कुछ नहीं चल सकता है, मैं जैसे कहेंगे वैसे करना पड़ेगा। उसके बाद अपना घर पर ले गया, घर पर ले गया। उसके बाद उसने 2-3 दिन तो पहले वो लोग बंद कमरे में रखते थे, हमें बाहर नहीं निकलने देते थे। सुबह मतलब मॉर्निंग सवेर पर और शाम को लोग बाहर वर ले आते थे, अब बाहर नहीं निकलने देते थे। उसके बाद वो लोग ने क्या करे, मतलब बाद में पता हमें, बोले नाम चेंज करो। मैं बोली मैं अपना नाम क्यों चेंज करूँ, नसरीना नाम रख दो तो अपना और बुरका पहनूँ। मैं बोली आप लोग मुस्लिम हैं क्या, ऐसे क्यों बोल रहे हैं। जब उसका पता चला जब उसका नाम अमीन है, तब तो हमें पैर तर से जमीने की सब गई जो मुस्लिम है। उसके बाद वो लोग ने हमें बहुत टॉर्चर करने लगे बुरका पहनने के लिए, नाम चेंज करने के लिए, और क्या बोलते वो सूस ला करके ज़बरदस्ती। उनका घर वाले भी सब ने हमें बहुत गंदे भी, उन्होंने बहुत बहुत टॉर्चर करे वो लोग। उसके बाद मैं इधर उधर भटक रही थी, हमें कोई साधन नहीं मिल रही थी, किसे बताओ क्या करूँ। उसको आधे भैया को देखी मैं कोर्ट पे, और एक दो मीडिया वाले भी थे। मैं बोली भैया ऐसे ऐसे बात है, तो बोली तुम के उसका नाम क्या है। मैं बोली यहाँ का अमीन खान है, वहाँ का राजा पंडित है। तो भैया ने हमें सपोर्ट दिलाए, केस लिखवाए, थाने पे गए, थोड़ा हिम्मत मिली है। वो जो वीडियो पर कब पता चला, वो वीडियो के बाद हमें 2-3 दिन बाद हमें दिखाया है उसने, जो तुम्हारा बदन पर ऐसा चेहरा है, ऐसा दाग है। मैंने बोली आपको कैसे मालूम हमारे बदन पर ये है, तुम नहा रही थी तो पीछे से मैंने सेल चालू करके रख दिए थे। महाराजगंज जनपद में ठूटीबारी कोतवाली क्षेत्र के भारत नेपाल सीमा पर पगडंडी के रास्ते अवैध रूप से नेपाल से भारत में बिना वैध कागजात के प्रवेश की कोशिश कर रहे एक इटालियन नागरिक को पुलिस एवं एसएसबी की गश्ती दल टीम ने गिरफ्तार किया है। पकड़े गए इटली के रोम शहर निवासी बेटियों की डी रोज के कब्जे से वीजा एवं पासपोर्ट बरामद हुए हैं जो कि एक्सपायर हो चुके हैं। पुलिस ने विदेशी नागरिक के खिलाफ 14 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर भारत में अवैध रास्ते से घुसपैठ के प्रयास के बारे में पूछताछ कर रही है। एसपी ने बताया कि पकड़े गए विदेशी नागरिक के पास भारत में प्रवेश करने के लिए कोई वैध कागजात नहीं है, पूछताछ के बाद जेल भेजा जाएगा। इटली का एक नागरिक है जो कि नेपाल सीमा से भारत सीमा क्रॉस करने का प्रयास कर रहा था। जब इसकी तलाशी हुई तो इसके पास से जो वीज़ा और पासपोर्ट मिला है वो एक्सपायर हो चुका है, इसके पास कोई वैध कागजात नहीं है। इस पे 14 विदेशी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसे डिटेल पूछताछ हमारी टीमें कर रही हैं और पूछताछ के बाद इसको जेल भेजा जाएगा।
सिद्धार्थनगर जिले की सर्विलांस टीम ने गुम हुए 137 मोबाइल को ढूंढने में सफलता हासिल की है। सभी मोबाइलों को आज उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। मोबाइल सुपुर्दगी के इस कार्यक्रम को लेकर पुलिस कप्तान डॉक्टर यशवीर सिंह ने बताया कि जिले के अन्य जनपदों के लोगों के पिछले कुछ महीनों में जो मोबाइल अपने जिलों में गुम हुए थे और उसकी सूचना संबंधित थानों में दी गई थी, सर्विलांस की टीम ने ऐसे गुमशुदा 137 मोबाइलों को बरामद किया है और आज मोबाइल के असली मालिक को बुलाकर सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये कार्य पुलिस विभाग विगत कई सालों से कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। देखिए, जनपद सिद्धार्थनगर में विगत कई महीनों में जो यहाँ के लोग थे, जनमानस थे, उनके मोबाइल विभिन्न तरीके से जो गायब हुए हैं, बस में भूल गए हैं, कुछ लोग मार्केट में निकल गए हैं जेब से या दुकानों पर भूल गए हैं, इस तरीके के मोबाइल के एप्लीकेशन, अपने खोए मोबाइल की एप्लीकेशन दी गई यहाँ के लोगों के द्वारा। उसमें सर्विलांस की टीम ने, हमारी टीम ने 136 मोबाइल जनपद में बरामद किए हैं और आज उसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है पुलिस लाइन में और सभी जो इनके मोबाइल हैं, सभी लोगों को, 136 लोगों को बुलाया गया है, उनके मोबाइल में सुपुर्द किए जाएंगे। इनकी लगभग 13 से 14 लाख की कीमत है। 136 मोबाइल बरामद पुलिस ने किए हैं। कुछ मोबाइल ऐसे हैं जो एक एक साल से भी गायब थे। ज़्यादातर लोग जो पीड़ित थे, जिनके मोबाइल गायब थे या खो गए थे, वो अपने जनपद सिद्धार्थनगर के, कुछ लोग बाहर जनपद के भी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।